नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत, आप देख रहे हैं हाई स्पीड। दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्जा माफ़ी को लेकर। आपको बता दें कि जो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना मध्य प्रदेश शासन। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई, अभी फिलहाल ही 5-7 दिन पहले बनाई गई वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे कर्जा माफ़ी से लेकर बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसानों की जो सूचियाँ हैं, तो उसमें बताया जा रहा है 40 लाख किसानों की सूचियाँ हैं, वो 40 लाख किसानों को शामिल किया गया है। तो फिलहाल सूचियाँ तो इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर बैंकों के नाम हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के, उसमें 1,55,000 रिकॉर्ड शामिल हुए हैं। तो आज से 2 दिन पहले इसके अंदर सिर्फ रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ 4 या 5 ही बैंक आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे बैंक हैं वो बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर सारी बैंकों के नाम हैं वो यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी बैंक का भी इसके अंदर नाम है। और दोस्तों जब आप चेक करें तो उसके बाद में यहाँ पर हर रोज़ हर घंटे यहाँ पर नाम जोड़े जा रहे हैं बैंकों के, जैसे ही रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड है ये भी अपडेट हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ पे ये 1,55,000 संख्या नहीं थी, कम थी, लेकिन यहाँ पे ये रिकॉर्ड है ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बैंकों के नाम और यहाँ पे कितने किसान हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं बैंक की लिस्ट। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे सिर्फ इतनी बैंकें नहीं है, और भी बैंकें धीरे धीरे जोड़ी जा रही है। तो यहाँ पे आप हर रोज आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज अपडेट होते हैं बैंकों के नाम। तो यहाँ पे आके आप हर रोज चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट आपको बता देते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, cmlws.mponline.gov.in। इस लिंक पे आके आप यहाँ से अपनी बैंक का नाम है वो यहाँ से देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और जैसे ही सूचियाँ अपलोड होगी तो यहाँ से आप सूचियाँ भी देख पाएंगे किसानों के नाम वगैरह। तो फिलहाल इसके ऊपर सूचियाँ अपलोड नहीं है, लेकिन बैंकों के नाम आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे जो भी बैंक है वो बढ़ाई जा रही है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूंगी, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी ही बैंकें थी, लेकिन उसके बाद में सिर्फ 1 दिन बाद में इतने रिकॉर्ड्स बैंकों के नाम और रिकॉर्ड्स और यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। तो जैसे ही बैंकों से रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो यहाँ पे बैंक है वो जोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश कर्ज माफी को लेकर एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।